What's up you guys, a very warm welcome and welcome back to our channel. Hello, I'm Pona and I hope you all are doing well. So first of all, I'm really really sorry guys, last week maine koi bhi video post nahi ki because bahut sare reasons the. Reason number 1, network issue. Bahut network issue tha. Second one, I was facing power cut. Third one is meri tabiyat utni achhi nahi thi. बट मैंने शूट करके भी रखी थी बट ड्यू टू नेटवर्क इशू मैं पब्लिश नहीं कर पाई और उसके बाद बहुत सारा काम आ गया. सो हाँ, इसीलिए आई एम रियली सॉरी. सो आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए, पर्सनली भी आप लोगों ने मुझे पूछा कि आप क्यों हिंदी चैनल में आप पब्लिश नहीं किए, लाइक वीडियो क्यों नहीं है हिंदी चैनल में भी पब्लिश कीजिए. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर कंसर्न. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आप लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा. सो यस, सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ये हिना खान इंस्पायर्ड इंडियन मेकअप ट्यूटोरियल. ये मेकअप लुक बिल्कुल परफेक्ट है, आई कैन से डेली बेसिस के लिए भी आप इसको रिक्रिएट के जा सकते हो. एंड एट द सेम टाइम दुर्गा पूजा भी आ रही है, सो अष्टमी अंजलि के लिए अगर आप चाहते हो, ये बहुत ही एक सिंपल लुक है, झट से रिक्रिएट कर सकते हो आप. सो आई थिंक आप इस लुक को रिक्रिएट करके इस दुर्गा पूजा में भी बाहर जा सकते हो. एंड एट द सेम टाइम ये बहुत एक क्या बोलूं वर्सेटाइल मेकअप लुक है. अगर विदाउट बिंदी आप पहनोगे सो वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी ये अच्छी जाएगी, और विद बिंदी एंड विद सच ज्वेलरीज इंडियन ड्रेसेस के साथ भी ये बहुत अच्छी जाएगी. सो या विदाउट फादर वेस्टिंग टाइम चलिए देख लेते हैं इस मेकअप लुक को. और गाइज आपको पता है ना कि मेरे बंगाल चैनल पे एक गिव अवे चल रही है. सो जस्ट मैंने एक गिव अवे लॉन्च की है, सो प्लीज पार्टिसिपेट करना मत भूलिए, पार्टिसिपेट जरूर कीजिए. एंड जो रूल्स हैं वो सब बंगाल चैनल पे मैं ईच एंड एवरी वीडियो में बोलती हूँ, सो प्लीज डू पार्टिसिपेट. ओके, सो या अब देख लेते हैं इस मेकअप लुक को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज बायोटिक्स मॉइस्चराइजर. ये बहुत लाइट वेटेड है और स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है. नेक्स्ट मैं वेट न वॉइल की ये सैटिन लिप बाम लगाऊंगी ताकि मेरी लिप्स थोड़ी सी मॉइस्चराइज दिखे. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई मिस फेयर एंटी रेडनेस प्राइमर ताकि मेरी स्किन वेलवेटी स्मूथ हो जाए और मेकअप करने में आसानी हो. हीना की स्किन यहाँ पे थोड़ी सी सैटिन ड्यूवी है, सो आज मैं लगा रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट की ये फाउंडेशन. ये आपको लगभग फुल कवरेज प्रोवाइड करती है और अगर एक बार आप अप्लाई करोगे उसके बाद की आपकी स्किन काफ़ी मॉइस्चराइज भी दिखेगी. उसके बाद मैं लगा लूँगी मेरी ADS के ये कंसीलर. ये लाइट वेटेड है और कवरेज वाइज भी काफ़ी ठीक ठाक है और ईजिली ब्लेंड भी हो जाती है. सो अब हम फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे से सेट करेंगे. आज मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट के परफेक्ट रेडिएंट कॉम्पैक्ट. ये सनस्क्रीन के साथ भी आती है, सो आपको सन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी. उसके बाद वेट न वॉइल की ये ब्राउन क्रीमी आईब्रो पेंसिल से मैं अपनी आईब्रोज के गैप्स को फिल करूंगी, पर उससे पहले स्पूली की मदद से अपनी आईब्रोज को कोम कर लूंगी. नेक्स्ट एज अ ट्रांजिशन शेड आज मैं यूज़ कर रही हूँ शिवाना की इस नेकेड पैलेट को. यहाँ पे जो ब्राउन मैट बिल्कुल शेड है, इस शेड को मैं अपने आउटर वी कॉर्नर में फोकस करूँगी, देन अपनी क्रीज पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद मिस क्लियर की ये रोमांटिक आई शेडो पैलेट में जो शिमरी वाइट शेडो है, इस शेडो को मैं अपनी फुल लिड्स पे लगा लूँगी. नेक्स्ट मैं मेरी लो वाटर लाइन पे ये वेस्ट न वॉल की कंसीलर पेंसिल को लगाऊंगी ताकि मेरी आईज थोड़ी सी बिगड़ लगे. उसके बाद मैं मेरी अपर वाटर लाइन पे लगाऊंगी फेसेस कनाडा की ये मैग्नेट आईज ब्लैक काजल पेंसिल. अब हम आईलैशेस को कर्ल कर लेते हैं और उसके बाद मैं लगाऊंगी मेबेलिन की द हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा. मैं लगा रही हूँ मेबेलिन की क्लोजल आईलाइनर, बिल्कुल थिन स्ट्रोक में ड्रॉ कर रही हूँ और बिल्कुल अपनी लैशेस के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, ज़्यादा मोटा मैं नहीं करूँगी.
तो अब बारी है फेस कंटूर की। आज मैं लगा रही हूँ शुगर का सिंगल कंटूर। ये बहुत ही पिगमेंटेड कंटूर शेड है और बिल्कुल एक से दो स्ट्रोक ही सफिशियंट है अपने फुल फेस को कंटूर करने के लिए। नेक्स्ट मैं शिवाना के मेकअप स्टूडियो इस पैलेट से यहाँ पे जो पीची बहुत ही लाइट एक ब्लशर है इसको मैं बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट पे लगाऊंगी और उस सेम पैलेट पे जो हाइलाइटर है उसको भी थोड़ी सी बिल्कुल लगाऊंगी। उसके बाद एक मैट फिनिश लाने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करके ये कंटूर ब्लशर और हाईलाइट को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब बारी है लिप्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई विला बॉस फेस लिप लाइनर। ये बिल्कुल न्यूड शेड में है और इसका शेड है रूट बियर। देन मैं फेसेस कनाडा की ये ब्लूमिंग रेड वाला बिल्कुल मैट लिप बुलेट फॉर्म की लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये लगाने के साथ साथ ही आपको मैट फिनिश देती है और ये बहुत अफोर्डेबल होने के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो यस गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सो होपफुली आपको ये मेकअप लुक जो है पसंद आई है। ये मेकअप लुक को आप झट से रिक्रिएट करके बाहर जा सकते हो। फेस्टिवल रेडी एक सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल भी है और ये मेकअप लुक बहुत ही सिंपल है। हीना ने कोई भी फॉल्स लैशेस या बहुत ओवर पावरिंग कंटूर या ब्लशर ऐसे नहीं लगाई है। सो आप झट से इस मेकअप लुक को रिक्रिएट कर सकते हो। सो यस डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कैसी लगी ये मेकअप लुक। और प्लीज गाइज जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी तो, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो देन प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। सो चलिए अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।